प्रवक्ता हैं और नाहिद जी का जन्मदिन है, आपको बहुत बहुत मुबारक और बहुत बधाई सालगिरह की। तो समाजवादी पार्टी क्या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देना चाहती? आखिर आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकती हैं? नहीं नहीं, जन्मदिन का दिन है, इस दिन तो आज घोषित कर देना चाहिए कि कांग्रेस को 2 सीटें 3 देंगे जितनी भी बची हैं। ब्रजेश जी देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है और मैं समझती हूँ कि कल तक इसका फैसला सबके सामने आ ही जाएगा। और इंडिया गठबंधन 9 की 9, पहले तो 10 सीट थी, अब 9 ही सीट रह गई, तो 9 की 9 सीट पे माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। और आप देखिएगा निश्चित रूप से 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतेगा। और कांग्रेस की बात रही, कौन सा इंडिया गठबंधन, अभी 1 सीट तो देने को तैयार नहीं है। नहीं नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आप ही के चैनल को तो बाइट देकर कहा, स्पष्ट कहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब बात हो रही है और सब आपके अच्छा, सामने मैं आ सवाल जाएगा। वापिस ले लूंगा। हाँ। आप ये बता दें प्रदीप सिंह को कौन सी सीट है, ये भी इनको भी साथ फ्रेम में ले लिया इसीलिए। नहीं नहीं नहीं, ये कम से कम आज जाए डिबेट में तो पार्टी को बताएं कि डिबेट से ये अचीव करके आए हैं। नहीं नहीं, देखिए बात सीट की नहीं, बात जीत की होती है। माननीय अखिलेश हमेशा कहते हैं जो सीट देने की बात यहां कर ना रही, मैं, नहीं नहीं ना यहाँ बैठकर ना मैं इस चीज का फैसला कर सकती हूँ, ना प्रदीप भाई इस चीज का फैसला कर सकते हैं। तो शीर्ष नेता एक आउटलाइन तो दे सकती है कि दो, मैं आपको बता रही हूँ, कल पता चल जाएगा आपको, मैं तो स्पष्ट बता रही हूँ, कल आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल मीडिया के सामने आ जाएगा। और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा और 9 की 9 सीटों पर कौन सी सीट है जहाँ कांग्रेस बीजेपी से लड़ लेगी? अब आप इधर से घुमा के पूछे या उधर से घुमा के पूछे, मेरा जवाब तो एक ही होगा। आप ये देखिए ना, सबसे बड़ी बात, मैं तो कहता हूँ संभल की सीट पे कांग्रेस अच्छा लड़ सकती है। नहीं, इंडिया गठबंधन हर सीट पर अच्छा लड़ रहा है। ब्रजेश जी सुनिए बात, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने 7 सीटों पे अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। आप समझिए ना, आपने खुद सवाल किया बीजेपी के प्रवक्ता से, वो चुप है क्योंकि दूरबीन लेकर ढूंढ रहे, उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। लोग मना कर रहे हैं, नहीं करहल से हमें नहीं लड़ना है, करहल से नहीं लड़ना, हम बहुत बुरी तरह से हारेंगे। मिल्कीपुर से तो इतना डर था, इतना थर्राए हुए थे पीडीए समाज से और माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय अवधेश प्रसाद जी से कि नौटंकी कर रहे। अच्छा, आप लोग को ये बात पता थी कि ऐसी कोई पिटीशन है जिस पर कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं है और चुनाव रुक सकता है, ऐसा कुछ आप लोग को पता था? आज ही अखबार में आया, इसी पिटीशन के बारे में आया, अच्छा खासा अखबार में धो दिया अखबार ने। मतलब माननीय हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल 2022 को याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने याची के अंतरिम राहत संबंधी प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने टिप्पणी भी की थी कि याचिका में ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है कि चुनाव परिणाम पे हस्तक्षेप किया जा सके। ये 2022 में भाई इसलिए चुनाव नहीं हो रहा है कि अब आप ये समझे कि जो दिल्ली के बड़े नेता हैं, उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के भाजपा के जो नेता हैं, जो छोटे वाले नेता, उनकी ये स्थिति कर दी कि 403 विधानसभा सीटें, उसमें से सिर्फ एक सीट का उनको प्रभारी बनाया, दूसरा तो चुनाव तो कोई बीजेपी थोड़ी घोषित करती है, चुनाव आयोग घोषित करता है। नहीं तो आपको बता रहे ना, थोड़ा इत्मीनान से सुनिए, बीच बीच में अगर आप इंटरप्ट करेंगे फ्लो खत्म हो जाएगा। अरे कंडीशनल डिबेट बोलिए, नहीं नहीं, अरे आप ये समझिए ना कि एक सीट तक सीमित कर दिया, एक सीट का प्रभारी बना दिया और वो वहां गए, समझ गए कि भाई यहाँ तो हमारा जीतना नामुमकिन है, शर्मनाक हार होगी, बहुत बुरी हार होगी। तो ये सब नौटंकी करी और जिस तरीके से भी चुनाव टलवा दिया, अब चुनाव टलवा दिया, अब आज अखबार में आया कि नौटंकी में भाजपा के ही ये नेता सारे पहुंच गए, चुनाव आयोग पहुंच गए नौटंकी में कि भाई चुनाव करा दीजिए। अरे नौटंकी किस बात की, ये बैकफुट पर आ गए दरअसल, क्योंकि जिस प्रकार से जब चुनाव आयोग ने बताया कि मिल्कीपुर में, नहीं सुनिए बात, जब चुनाव आयोग ने बताया मिल्की, अरे नहीं, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी है ब्रजेश जी, आपको सबसे ज्यादा टाइम समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। ये तो अब सिद्ध हो गया ना कि हम ही सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमें सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए आपको। कि सबसे ज्यादा टाइम मतलब सीट ज्यादा तो टाइम ज्यादा, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, तब तो कांग्रेस को बड़ी मुश्किल होगी। बोलिए, नहीं नहीं, अब आप ये समझिए ना कि बीजेपी बैकफुट पर आ गई। मैं जब छोटी थी तब सुनती थी जनसंघ नाम की एक पार्टी थी, नौटंकी वाली पार्टी, इनको बजाते थे। थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया, मैं सेकंड राउंड में टाइम दूंगा। नगाड़ा बजाते थे, नाच गाना करते थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इनके पास बैठे और इनको समझे कि जनसंघ की पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब इनकी नौटंकी आज दिखाई दी, चुनाव आयोग चले गए कि चुनाव करा दो, चुनाव आज कराएंगे चाहे चुनाव 10 दिन बाद कराएं चाहे चुनाव 20 दिन बाद कराएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रोहित अग्रवाल, धन्यवाद। पुर से होना तय है और 9 की 9 सीट के आधार पे ही आप कह रही हैं तो मैं करारी हार होना तय है। विधानसभा वाली सीट के हिसाब से आरएलडी की पार्टी पर 9 पीछे है, बहुत पीछे है। अब आराम से डिबेट, अब आपका शुक्रिया।